गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर असिस्टेंट टीचर फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेलकम टू क्लास फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियोज़ में हमने चैप्टर 4 दी फूड वी ईट पढ़ा था और समझा था। बच्चों, इसमें मैंने आपको फूड के बारे में बताया था कि फूड हमारी बेसिक नीड है, हमारी आधारभूत आवश्यकता है, और फूड हमें एनर्जी देता है और हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों, हमें कुछ भी वर्क करने के लिए, प्ले के लिए एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। बच्चों, मिल्क, एग, पल्सेस, फिश, ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और चपाती, राइस, शुगर, ब्रेड, बटर, ये क्या देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। तो मिल्क, एग्स, पल्सेस तो क्या करते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। और चपाती, राइस, शुगर, ये क्या करते हैं बच्चों? ये हमें एनर्जी देते हैं। बाद में बच्चों, हमने ये किया था कि कौन से फूड हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, कौन से फूड हमें बचाते हैं। तो बच्चों, इसमें फ्रूट्स और ग्रीन लीफी, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हमें डिजीज यानी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आगे बच्चों, हमने मील्स इन ए डे कि हम दिन में तीन तरह से भोजन करते हैं, तीन प्रकार का भोजन करते हैं। ब्रेकफास्ट, सुबह जो हम मॉर्निंग में करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, जिसमें हम दूध और चाय के साथ में ब्रेड या बटर लेते हैं। और लंच में हम राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल्स, ये करते हैं। एंड रात को हम नाइट में डिनर करते हैं। रात को हमें बच्चों लाइट खाना खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब आगे पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम करेंगे जंक फूड। आज हम चैप्टर 4 में आगे का पढ़ेंगे जंक फूड। जंक फूड, सम फूड्स आर टेस्टी बट आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कि बच्चों, सम फूड्स आर टेस्टी बट आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कि बच्चों, कुछ भोजन फूड अच्छा होता है, टेस्टी होता है, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। वो टेस्टी तो लगता है, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए क्या नहीं होता? हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। आगे देखो बच्चों, फूड्स लाइक बर्गर, चाउमीन एंड पिज़्ज़ा आर जंक फूड। फूड्स लाइक बर्गर, चाउमीन एंड पिज़्ज़ा आर जंक फूड। तो बच्चों, कौन सी फूड है वो देखो बच्चों, जो जंक फूड है। बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये क्या है बच्चों? ये जंक फूड है। यू कैन ईट देम वंस इन ए वाइल। बच्चों, हमें नहीं, एक बार ही खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमें हरदम ही खाना चाहिए, नहीं तो इनको कभी कभी खाना चाहिए। यू कैन ईट देम वंस इन ए वाइल, इनको हमें कभी कभी खाना चाहिए, हमेशा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ये टेस्टी जरूर लगते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये जंक फूड होते हैं, जैसे बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये क्या है? जंक फूड है, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्थी नहीं है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे जंक फूड की पिक्चर्स भी है। चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये क्या होते हैं बच्चों? जंक फूड है, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, इनको हमें कभी कभी खाना चाहिए। आगे देखो बच्चों, वाटर, WATER, वाटर, वाटर मीन्स पानी, वाटर मीन्स पानी। आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर। हमारे शरीर को भरपूर पानी की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए बच्चों? बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, हमें पूरा पानी पीना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए। हमारी बॉडी को क्या होती है इसकी आवश्यकता होती है, नीड होती है। वी शुड ड्रिंक 6 and 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन ए डे। कि बच्चों, हमें एक दिन में कितने गिलास पीने चाहिए? 6 से 8 गिलास पानी पीने चाहिए। 6 से लेकर 8 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए, 6 से 8 गिलास हमें पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। और हमें हमेशा क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, क्लीन पानी पीना चाहिए, यानी साफ पानी पीना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क डेली। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क डेली, कि हमें रोज़ाना 2 गिलास दूध के पीने चाहिए। हमें 2 गिलास क्या करना चाहिए? 2 गिलास दूध का पीना चाहिए, एक तो सुबह, एक रात को। हमें 2 टाइम में क्या करना चाहिए? 2 टाइम में हमें 2 गिलास
गाय के कोई भी दूध हो, हमें दूध पीना चाहिए जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, हेल्थी होते हैं, हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो बच्चों, वाटर में हमने देखा कि हमें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, भरपूर आवश्यकता होती है। वी शुड ड्रिंक 6 and 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन द डे, हमें दिन में 6 या 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली, हमें 2 गिलास दूध के पीने चाहिए। आगे देखो, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी और मांसाहारी, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी एंड मांसाहारी, तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो बच्चों देखो, यहाँ पे पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। बच्चों, जो लोग मीट, फिश या अंडे ये खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? जैसे पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, मांस खाने वाले को क्या बोला जाता है? मांसाहारी कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, जो लोग मांस खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मांसाहारी कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। बच्चों, जो मीट ये सब चीज़ें खाता है ना, मीट, फिश, एग, इनको क्या बोला जाता है? नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है। आगे देखो, पीपल हु डोंट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, पीपल वो डोंट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, जो लोग मांस नहीं खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वेजिटेरियन। जो लोग मांस नहीं खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नहीं खाते उन्हें क्या बोला जाता है? वेजिटेरियन। जैसे बच्चों, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये चीज़ें खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वेजिटेरियन। और जो लोग मीट, एग्स ये खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन वेजिटेरियन। तो बच्चों, यहाँ पे पिक्चर्स भी बनी हुई है, यहाँ पे मीट, फिश, एग, इन्हें क्या बोला जाएगा? ये जो लोग ये खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। और जो लोग मीट नहीं खाते, मांस नहीं खाते हैं, उन्हें वेजिटेरियन। जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वेजिटेरियन। आगे देखो बच्चों, गुड ईटिंग हैबिट्स, अच्छी आदतें, खाने की अच्छी आदतें। बच्चों, हमें खाने की अच्छी आदतों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं बच्चों क्या क्या है इसमें। वी शुड ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे, वी शुड ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे, हमें 2 गिलास दूध पीना चाहिए। हमें एवरी डे क्या करना चाहिए? 2 गिलास दूध के पीने चाहिए। वी शुड ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे, हमें 2 गिलास दूध के पीने चाहिए एवरी डे। वी शुड च्यू आवर फूड वेल, हमें भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। वी शुड च्यू आवर फूड वेल, हमें भोजन को चबा के खाना चाहिए, चबाना चाहिए अच्छी तरह से। वी शुड ईट फ्रेश एंड हेल्थी फूड, हमें हमेशा फ्रेश एंड हेल्थी फूड खाना चाहिए। हमें हमेशा फ्रेश यानी ताज़ा, हेल्थी यानी अच्छी तरह से स्वस्थ भोजन करना चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश एंड हेल्थी फूड। वी शुड वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, बच्चों हमें फल को खाने से पहले उसे धोना चाहिए। फ्रूट्स को खाने से पहले क्या करना चाहिए? उसे अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बच्चों हमें खाना खाने से पहले और बाद में हैंड को यानी हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। आगे देखो बच्चों, टिट बिट्स, सम फूड्स आर कुक्ड, सम फूड्स आर ईटन रो, सम फूड्स आर कुक्ड, सम फूड्स आर ईटन रो, कि बच्चों कुछ फूड्स को तो हम पका के खाते हैं और कुछ फूड्स को हम कच्चा ही खाते हैं। आगे देखो बच्चों, टिट बिट्स, वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, बच्चों हमें अनकवर्ड, जो कवर नहीं रहता वो फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें हमेशा फ्रेश एंड हेल्थी फूड ही खाना चाहिए। बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। आज बच्चों हमने सबसे पहले जंक फूड पढ़े कि जंक फूड हमारे बॉडी के लिए हेल्थी नहीं होते हैं, ये टेस्टी लगते हैं लेकिन ये हमारे लिए हेल्थी नहीं होते हैं। आगे हमने वाटर का पढ़ा कि हमें दिन में 6 से लेकर 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, और हमें 2 times दूध पीने चाहिए, 2 ग्लास दूध के भी पीने चाहिए, और क्लीन वाटर पीना चाहिए। आगे हमने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में
पढ़ा। बच्चों जो लोग मांस खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहा जाता है, जो मीट खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन वेजिटेरियन, उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन वेजिटेरियन। और जो लोग मांस नहीं खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वेजिटेरियन। आगे बच्चों हमने गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें पड़ी कि हमें 2 गिलास दूध पीने चाहिए एवरीडे, और हमें खाना चबा चबा के खाना चाहिए, और हमें फ्रेश एंड हेल्थी फूड खाना चाहिए। ये सब हमने गुड ईटिंग हैबिट्स पढ़े। आज बच्चों आपको ये चैप्टर 4 अच्छी तरह से पढ़ना है और अंडरस्टैंड यानी समझना है अच्छी तरह से। ओके माय डियर स्टूडेंट, और लास्ट में बच्चों वीडियो देखने के बाद में आप इसे लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट में लिखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।